महारिषि वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव पिंड दुलद्दी विखे वाल्मीकि मंदिर विच बड़ी श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया गया। प्रबंधकों वालों महारिषि वाल्मीकि जी के प्रकाश उत्सव दी लख लख बधाइयां देंदे हुए प्रधान सरदार लाभ सिंह वालों दस्या गया रामायण के भोग उपरंत गुरु का लंगर अतुट वरतेगा। नाल ही उन्होंने महारिषि वाल्मीकि जी दी सिक्ख्यावां ते चलन लई समाजिक बेनती भी की। पिंड दुलद्दी की पंचायत और नगर के सहयोग नाल दिहाड़ा बहुत ही धूमधाम नाल मनाया गया। भगवान वाल्मीकि मंदिर दुलद्दी के बतौर सेवादार ड्यूटी निभा रहे जेई पी एस पी एस पी सी एल दे सरदार नरेंद्र सिंह जी जो इस समय मंदिर की सेवा भी निभा रहे हैं ते नाल ही प्रबंधकों के नाल मिलके उन्होंने हल्लाशेरी दे के इस यह प्रोग्राम यहोजे प्रोग्रामों बड़ी तन मन दे नाल निभा रहे ने। आओ आपां सरदार जी नरेंद्र सिंह जी नाल गल करिए। हाँ जी नरेंद्र सिंह जी, भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस दियां सारे देशवासियों नू इलाका निवासियों नू ते मेरे पिंड निवासियों नू लख लख वधाइयां। भगवान वाल्मीकि जी दे मंदिर विच 9:30 बजे भगवान वाल्मीकि जा रहा है। साढ़े लवे साडा वाइट लैंड वास्ते सुखपाल सिंह जी ते राजवीर जी पहुँचे ने ते उन्हां दा भी प्रेस मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते साढ़े लवे होर जिन्हां भी संगतां ने इस शुभ दिहाड़े विच आए ने इत्थे अपना अपना योगदान पाया धर्म के कार्य च उन्हां सारयां दा मैं लख लख वारी धन्यवाद करदा। एक बारी फिर मैं सारिया संगतां नूं भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस दियां लख लख वधाइयां दिंदा। तुसीं भगवान वाल्मीकि जी दियां सिख्यावां प्रति संगतां नूं की संदेश देना चाहोगे? भगवान वाल्मीकि जी दियां संख्यावां तों असीं इह चीज़ सीखी आ भी उन्होंने हत्थ च कलम आ होर बाकी भी देवी देवतां दे हत्थ च आपां देखदे आ भी हथियार हुंदा इन्हां ने सिर्फ कलम चक्की आ बाकी जिन्ने भी इत्थे महापुरश होए ने उन्हां ने सारयां नूं सानूं अच्छी सिख्या दा भी उपदेश दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए ने, गुरु नानक देव जी आए ने, उन्होंने जिन्हें भी संख्यावां ते सतों चलिया जाता चलना चाहिए। ठीक है भी असं कलयुग जीवा उन्ना नहीं चलिया जाता पर जिन्ना भी चलिया जाए चलना चाहिए। मैं सारिया संगतों को यही बेनती करदा भी भगवान वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण में पढ़ो तो उन्होंने संख्यावां ते चलो। धन्यवाद जी। नाल मौजूद ने सरदार कुलवंत सिंह जी अटवाल जो कि इस समय श्री श्रोमणी अकाली दल के बहुत ही सीनियर आगू आते मुलाजम इंपलाय यूनियन के सूबा सकत्र भी ने। आओ उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी के जन्म दिहाड़े संबंधी कुछ विचार करिए। हाँ सरदार कुलवंत सिंह जी, तुम की कहना चाहोगे भगवान वाल्मीकि जी के जन्म उपरंत उन्होंने सिख्या ब्रह्म प्रति? भगत वाल्मीकि जी जो कि साढ़े संसार दे विच पहले एक ऋषि भगत होए है जिन्हां ने सानू संसार दे उत्ते निम्रता नाल जीवन दा ते पढ़न दा लिखण दा जो इन्हां दी लिखी हुई रामायण आ उहदे तों बहुत कुछ साबित हुंदा भी साढ़े समाज नूं इन्हां ने किन्ना उच्चा चक्किया और किन्नियां किन्ने उस तों बाद भगत आए आ ते उन्हां ने भी सिख्यावां दित्तियां ने। इन्हां दीआं सिख्यावां तों सानू जिंदगी दी बहुत वड्डी सेध मिलदी आ, जीउण दा हक मिलदा, जीउण नाल सानू पता लगदा भी इन्हां ने साडे लई इस रामायण दे विच की कुछ लिखिया जिन्हां दी एड्डी वड्डी भविखबाणी कीती कि 10,000 साल पहलां भी तो जिहड़े आउण वाले समें दे व्याख्या सीगी उह पहलां ही कर दित्ती सीगी इन्हां ने। एड्डी वड्डी रामायण दे विच किसी भी ग्रंथ दे विच कोई एड्डा वड्डा फरमान नहीं मिलता जिहड़ा इन्हां ने सानू दिता ते साडी कौम नूं उच्चा चक्कण वास्ते बहुत वड्डे उपराले कीते आ ते अज जिहड़ा साडा समाज आ उह बहुत खुशहाल आ ते पढ़ लिख रहा जिहड़ी इन्हां ने कलम नाल रामायण नूं लिखिया उह कलम अज साडे घर घर दे विच जा रही आ उहदे नाल साडा समाज आ जिहड़ा बहुत वड्डियां उपलब्धियां वल जा रहा। ते मैं अज दे दिहाड़े उत्ते लख लख पूरे समाज नूं मुबारकबाद दिंदा पिया इन्ना कुछ कहिंदा होया वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी। अज इस प्रोग्राम दे मुख मेहमान दे तौर ते बी एस पी वालों हलका इंचार्ज मास्टर मास्टर अमर सिंह जी टोडरवाल विशेष तौर पर पहुँचे हैं। आओ उन्होंने आप इस प्रोग्राम संबंधी विचार जानिए। हाँ जी टोडरवाल साहब, तुसी बतौर वाल्मीकि जी दे अज दिहाड़े ते बड़ी सानू खुशी है जो कि हाजिर हो, तुसी की सिख्यावां प्रति जां की कहना चाहोगे सर? सब तो पहला तो मैं अज दे इस पवित्र दिहाड़े ते भगवान वाल्मीकि जी का जो प्रगट दिवस है
इस दे उत्ते दलद्दी पिंड विच पहुँचे हाँ। हर एक साल ही पहुँचते हाँ असी, तो सारी संगत को मैं भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस दियाँ लख लख वधाइयां दिंदा हाँ। और अपने समाज को ये कहना चाहुंदा हाँ कि भगवान वाल्मीकि जी ने जो उन्हां दा तस्वीर जिहड़ी असी अज तक वेख रहे हाँ, उन्होंने कलम नूं पकड़िया होया है, वो कलम दे धनी सन और साडे समाज नूं भी उन्होंने कलम दे धनी बन लई प्रेरणा दित्ती आ, ज्ञानवान बनने की प्रेरणा दित्ती आ। और उसे उद्देश नूं लैके बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने सिक्ख्या प्राप्त की और दुनिया ते कोई उन्हें पढ़िया लिखिया नहीं हो सकिया। और उन्होंने ऐसी कलम चलाई, ऐसे कलम दे धनी बने, भारत का संविधान लिख के वो एक इकले बंदे ने साढ़े करोड़ों लोगों की जून सुधार गया है। लेकिन साडा फर्ज बनता है, असी भुले हाँ कि असी बाबा साहब के मिशन नूं भुल गए, अपने रैवरां नूं भुल गए। उन्होंने साढ़े हाथ विच भगवान वाल्मीकि जी ने सानू प्रेरणा दी कि कलमा पढ़ो, ज्ञानवान बनो, लेकिन असी की फड़ लिया, इन्हां मनुवादी लोगों ने सानू झाड़ू फड़ा दिता, साडे सिरां ते गंद दीआं टोकरियां रख दित्तियां, साडे हत्थां विच खुरपे फड़ा दिते, साडे सिरां दे उत्ते पंडां रख दित्तियां। सो इस तो सानू ग्रेस करना चाहिदा है, ज्ञानवान बनने की प्रेरणा उन्होंने दित्ती, सानू ज्ञानवान बनना चाहिदा है। जिवें कहिंदे आ कि दो अखां कुदरत ने दित्तियां, तीजा नेत्र विद्या है, इस दे विच सब कुछ आ जांदा है, इस दे विच सब कुछ आ जांदा है, ये सब तो वेतर विद्या है। धन दौलत ते ताकत अपने थां, लेकिन सब तो वेतर विद्या है। सानू विद्या प्राप्त करके अपने बच्चों नू ज्ञानवान बनाउणा चाहीदा है। सो जेड़े झाड़ू सानू जबरदस्ती फड़ाया, उन्हां झाड़ूआं दा खेड़ा छड के, उन्हां दातियां खुरपियां दा खेड़ा छड के, सानू ज्ञानवान बनदे लई अपने हत्थां विच कलमा कलम दे धनी बनना चाहीदा, वध तो वध पढ़ना चाहीदा। सो ये मैं अपने समाज नू प्रेरणा देनी चाहुंदा, सिक्ख्या देनी चाहुंदा, यही साडे रहिबरां दा सुपना सी। सो इस पवित्र मौके दे उत्ते मैं सारयां नू भगवान वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस ते वधाई दिंदा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, जय भगवान वाल्मीकि जी की जय, सतगुर रविदास जी महाराज की जय, जय भीम, जय भारत। यह सन मास्टर कुलवंत सिंह जी जो कि बतौर मुख मेहमान भगवान वाल्मीकि महाराज जी के मंदिर पिंड दलद्दी विखे पहुँचे सन। सो संगतां दा धन्नवाद करदे रहन।